अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कोफ्तों की रेसिपी। तो हम सीधा जो है रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है आपने जो बर्तन जो भी पतीली वगैरह जो है उसके अंदर जो है आपने ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद आपने एक ऑनियन लेना है और उस ऑनियन को जो है ये लंबे स्लाइसिस में कट कर लेना है। और कट करने के बाद आपने इसे ऑयल में ऐड कर देना है। और ऑयल में ऐड करने के बाद हमने जो है इसे लाइट गोल्डन करना है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि तमाम जो हैं प्याज वो एक टाइम पे हो जाएं। और उसके बाद हम जो है इसके अंदर टोमेटो से ऐड कर रहे हैं। तो मैं हमेशा टोमेटो को जो है बीच में से कट कर लेती हूँ ताकि ये भी चल जाता है कि टोमेटो सही है, उसमें कोई कीड़ा ना हो, सही टोमेटो हम यूज़ करें। तो ये एक तरह से टिप भी हो सकती है, अगर आप चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं टोमेटोज़ को स्मॉल पीसीस में इसलिए नहीं कर रही, जो कि हमने जो है जब हमारे टोमेटोज़ हो जाएंगे तो हमने क्या करना है, हमने इन्हें ब्लेंड करना है। क्योंकि हम कोफ्ते बना रहे हैं तो हमें इसके लिए एक पेस्ट चाहिए। तो हम इस पेस्ट बनाने के लिए हमने जो है इसके अंदर ये सिंपल सा जैसे आप देख रहे हैं ऑनियंस हो गए, टोमेटो हो गए, हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक वो भी ऐड करना है, वो भी मैंने ऐड कर दिया था। तो इसको फिर हमने क्या करना है, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे जब तक ये टोमेटो सॉफ्ट ना हो जाए। आप चाहें तो इनको ढक के भी रख सकते हैं। उसके बाद जो है मैंने क्या किया, मैंने जो है इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लिया। अभी मैंने इसके अंदर कोई नमक मिर्च कुछ भी ऐड नहीं किया और वापस मैंने उसी ऑयल में दोबारा से ऐड करके मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसके ना सिवा में बबल्स जैसे आने लग जाते हैं, जब तक नहीं आते तब तक हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन ये हो गया है, आप देख रहे हैं आस्ते आस्ते बबल्स आने लग गए हैं। तो हम फिर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर जो अब हम इसके अंदर योगर्ट ऐड करेंगे। तो ये जो है आपने योगर्ट ऐड करनी है और उसके बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। योगर्ट ऐड करने से ये होता है कि खाने के अंदर जो है एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, खट्टा और फिर मतलब टोमेटोज़ और दही एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मेरा ख्याल से तकरीबन आप सब ये यूज़ करते होंगे। अब मैं इसके ना मसाला ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें गरम मसाला 1/2 टीस्पून, उसके बाद हल्दी और फिर ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर और सॉल्ट एंड रेड चिल्ली भी मैंने इसके अंदर ऐड की है, जो कि मेन चीज़ है। जो कि ये देसी फूड जो हैं स्पाइसेस ना हो तो जस्ट खाना जो है बिल्कुल ही अनकम्प्लीट है। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद जो है इसको हम पकने के लिए रख देंगे कि अच्छे से जो है पानी का ये उबाला आ जाए, अच्छे से उबाला आ जाए। और क्या किया इसके ना मैं जो है एक एडिशनल चीज़ है, या कौरमा मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब मैं जो है एक ब्लेंडर के अंदर जो है उसके अंदर मैंने ऑनियन एक लिया है और उसके अंदर धनिया, ग्रीन चिल्ली, ज़ीरा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और साबुत है धनिया ये भी ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद जो है आपने जो सा होती है ना लाल मिर्च, ये जो कुटी हुई ये भी ऐड करनी है, इससे जो है काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। वैसे ये तकरीबन कबाब वगैरह में तो ये लाजमी, चपली कबाब वगैरह में ये यूज़ होता है। और धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, हल्दी ऐड कर रही हूँ, रेड चिल्ली ऐड करूँगी इसके अंदर मैं, सॉल्ट ऐड करूँगी। गरम मसाला इसके अंदर ऐड करूँगी और लहसुन भी इसके अंदर ऐड करना है। और अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद जो है मैंने इसका जो है पानी जो एक्स्ट्रा वाटर जो था, यानी कि जो ऑनियन से निकला था, उसको भी मैंने स्क्वीज़ कर लिया था, मतलब अलग कर लिया था। और इसके बाद जो है मैं इसके ना कीमा ऐड कर रही हूँ। तो आपने इस रेसिपी को बनाते हुए इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपके जो है कीमे के अंदर भी पानी ज़्यादा ना हो, बेशक आप इसे थोड़ी देर छन्नी में रख लें, और जो आपने प्याज ब्लेंड की है उसमें भी ना हो पानी। अगर पानी आ जाएगा तो बस डिश जो है बिल्कुल स्पॉयल हो जाएगी, बिल्कुल सही नहीं बनेगा। और मैंने इसे मिक्स करने के लिए इसके अंदर एक अंडा और बेसन एक बड़ा वाला चम्मच जो है वो ऐड किया था। और इसके बाउल्स बना के इसको हमने क्या करना है, ऑयल के अंदर इसे फ्राई कर लेना है। हमने सबको इकट्ठे डालना है। आप जो है जैसे कि आपने मैंने थोड़ा सा पहले कर लिए थे आधे और आधे अब किए हैं, तो मैं सबको इकट्ठे डालूंगी। ऐसे नहीं करना कि चार बन गए चार डाल दिए, पांच बन गए तो पांच डाल दिए। इससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि आपका जो खाना जो है वो रेडी हुआ है। यानी तकरीबन सारे हो गए थे कोफ्ते, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने अब बिल्कुल चम्मच नहीं हिलाना है इसमें, हम इसको जो है ढक देंगे। और जब ये रेडी हो जाएगा इसके ऊपर आप धनिया ऐड करें।
आप इस डिश को रोटी के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।